मैं एक बार आया था तो यहाँ पे मेडिसिन भी आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करता है और 5 रुपीज़ में डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करता है, वो भी गवर्नमेंट। सो हाउ इज द जोश गाइस, आई वी सब अच्छे एंड सेक्सी होंगे। सो गाइस देखो, मैं फिलहाल हूँ फ्रेंड्स बाजार पे और मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है क्योंकि मेरा जो स्किन पे ये साइड पे कुछ वाइट टाइप का कुछ आ रहा है और मैं सोचा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, प्राइवेट पे दिखाऊंगा। और बहुत सारे सैलून पे मैं गया था, मतलब जेंट्स पार्लर में, और वहाँ पे पूछा था तो वो लोग मुझे सजेस्ट किया कि मेडिकल कॉलेज चले जाओ भाई और वहाँ पे तुमको एक से बढ़कर एक डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ। और गाइस मैं आप लोग को और एक चीज़ बोलने चाह रहा हूँ कि कोटा में अगर आप लोग चीप एंड बेस्ट में ट्रैवल करना चाहते हो तो रैपिडो नाम का एक ऐप आता है जो मतलब बाइक क्या बोलता हूँ वो रैपिडो से अगर आप लोग बुक करोगे तो मतलब बाइक पे आप लोग जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से रैपिडो करके जा रहा हूँ तो मुझे 30 रुपीज़ पड़ रहा है, मतलब 30 रुपीज़ शो कर रहा है, कोई 30 से 35 अप्रॉक्स दिखा रहा था। मुझे कॉल आ गया रैपिडो वाले का, जस्ट सेकंड। हेलो भैया, मैं तो बाहर ही हूँ भैया, एकदम गेट के सामने ही। आप एकदम फ्रेंड्स बाजार के गेट के सामने आ जाओ ना यार, आप देखो रोड के सामने, मेन रोड के सामने। हाँ आ जाओ। सो मेरा रैपिडो वाला भैया आ रहा है और यहाँ से मैं जाऊँगा मेडिकल कॉलेज और जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और हाँ, मेडिकल कॉलेज पूरा फ्री है, जस्ट आप लोग का 5 रुपीज़ का पर्ची कटेगा और ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ फ्री है। और अगर आप लोग कोटा में अलग से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास जाते हो तो आप लोग को लूट लेगा, ये मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो आप लोग का मर्जी, आप लोग का पास अगर ज़्यादा पैसा हो तो है तो आप लोग कुछ भी करो, और अगर आप लोग चीप एंड बेस्ट में ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो आप लोग मेडिकल कॉलेज चले जाओ। और ये रहा हम लोग का रैपिडो वाला भैया। हेलो भैया, आप लोग आप रैपिडो से हो ना? चलो अपन चलेंगे अभी मेडिकल कॉलेज। और रैपिडो का सीन ऐसा होता है कि अगर आप लोग बुक करते हो तो 3 आता है, तो मेरा पिन है 3-9। और मैं रैपिडो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। रैपिडो मुझे कोई प्रमोशन पेड प्रमोशन वगैरह नहीं, 3-9 पैसा नहीं दे रहा है और यूट्यूब वाले भी मुझे पैसा अभी तक कोई भी पैसा नहीं दिया। तो चलो चल रहे अभी मेडिकल कॉलेज, आगे मिलता आप लोगों के साथ। चलो चलते। सो गाइस ये है मेडिकल कॉलेज का बोर्ड, आप लोग यहाँ से एंट्री करोगे। मुझे एक्चुअली एरिया का नाम तो नहीं पता और जाता हूँ। और हाँ, ये इस साइड में मेडिकल कॉलेज का शायद हॉस्टल वगैरह कॉलेज वगैरह इस साइड में, और ज़्यादातर ट्रीटमेंट वगैरह इस साइड में आपको होगा। और देखो कितना सारा राज वायरस, भैया राज वायरस। और चलो चलते हैं। मैं लास्ट 2019 में आया था और बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। कहाँ से एंट्री करते हैं? शायद गेट नंबर 400 हो, ये गेट नंबर 2। मैम पर्ची यहाँ से कट रहा है? पर्ची कहाँ से कट रहा है? सामने वहाँ पे, मुझे वहाँ से बोल रहा है पीछे कटेगा, यहाँ से बोल रहा है उधर कटेगा, पता नहीं सब सीन क्या है। सर नाम कहाँ पे लिखाना है? नाम डॉक्टर दिखाना है, नाम कहाँ पे लिखना है? डॉक्टर दिखाना है, नाम कहाँ पे लिखाना है?
तो गाइस मैं अभी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ का व्यू कुछ आप लोग का ऐसे ही मिलेगा। ये पूरा गवर्नमेंट का है, और इस बार सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है, एक बात तो ये है कि मुझे हिंदी साला पढ़ना नहीं आता है। मैं संस्कृत वर्ड मतलब गेस करके मैं हिंदी गेस करता हूँ। लाइक क्लास 6-7 पे मैं जब स्टडी करता था तब मेरा स्कूल में संस्कृत हुआ करता था, तो वही गेस करके मैं थोड़ा बहुत हिंदी गेस कर लेता हूँ। बाकी भैया पार्ची कहाँ पे करता है नाम लिखने के लिए? वो अंदर। अच्छा, नाम सर पर्ची मुझे पर्ची का वो स्किन डॉक्टर दिखाना है, ये इसके लिए स्किन डॉक्टर। मैं तो कल जाऊंगा ही नहीं। कहाँ जाओ? दिल्ली। एक नाइट और साइड आज नहीं होगा, मतलब ये इमरजेंसी जो ओपीडी वो थी वो आज 9 से 11 इसका ट्रीटमेंट होता है। मेरा ब्लॉग चल रहा है, मतलब यूट्यूब में डालेगा। अच्छा, तो यहाँ किस कर रहे हो? कोटा का वीडियो बना रहा हूँ। ये गलत है ना? ये सही है, मैं हर जगह का वीडियो बनाता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आज नहीं हो पाएगा इसका? ये कल बैठेंगे, वो 18 नंबर रूम में बैठेंगे। अच्छा, क्या भैया चले जाऊं मैं अभी? तो मतलब और जनरल फिजिशियन को तो दिखा ही सकता हूँ ना? आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। अच्छा, ये ऐसा बोलो ना, नवरात्र की छुट्टी है आज, हाफ डे था, 9 से 11 खुला था। अच्छा, 9 से 11 कल खुला रहेगा? कल खुला रहेगा 3 बजे। तो यहाँ से नाम लिखा था ना? हाँ। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो इस साइड ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप लोग पर्ची कटाओ। और आज मेरा काम नहीं हो पाया, मतलब क्या बोलूँ, चलो ठीक है अपन नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। आज मेरा और एक काम था, मुझे सिट्रस से फरमान भाई मुझे बोला था कि 11 बजे आ जाना राज, तेरा हेयर कट करा दूंगा। पता नहीं वो भी हो पाएगा या नहीं, बट चलो ठीक है यार, आपको मेडिकल कॉलेज का एक टूर दे देता हूँ। सो आप लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, इस साइड पे भी बहुत सारा डॉक्टर है, इस साइड पे बहुत सारे डॉक्टर है। और आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे पाँच रुपीज़ में आप लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा पूरा। अगर आपका कोई भी मतलब कुछ भी दिक्कत हो बॉडी में तो आप लोग मेडिकल कॉलेज आ जाना, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और गाइस अगर आप लोग को यहाँ से यहाँ पे डॉक्टर दिखा के मेडिसिन का भी कोई दिक्कत हो तो मेडिसिन भी यहाँ पे आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। मैं एक बार आया था तो यहाँ पे मेडिसिन भी आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करता है और 5 रुपीज़ में डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करता है, वो भी गवर्नमेंट। तो इसके बारे में जिसको जिसको पता था वो लोग कॉमेंट कर सकते हो। और गेट उस साइड में, तो मुझे उस साइड में जाना पड़ेगा।
तो गाइज आप लोग को मेडिकल कॉलेज के एकदम बाहर में आप लोग को बहुत सारा फार्मेसी मिल जाएगा, लाइक मेडिसिन का शॉप। तो कोई भी मेडिसिन अगर ऐसा हो कि अंदर नहीं मिल रहा है तो आप लोग बाहर से परचेज कर सकते हो। और मैं जिस काम के लिए आया था इसके लिए, ये मेरा पता नहीं कोटा के आने के बाद हो रहा है, 2 वीक से ये वाइट वाइट आप लोग देख पा रहे हो। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाना था, मेरा काम आज नहीं हो पाया, देखता हूँ शायद दिल्ली पे जाके मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा इसके लिए। और ठीक है, इतना दूर आ चुके हैं तो मैं बना ही लिया एक ब्लॉग, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे सेक्सी। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग।